अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो आज तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई और आज कोई भी काम पर नहीं गया। पापा भी घर पे हैं और मौसम देखे कितना अच्छा है। ये देखे भाई, मौसम इतना अच्छा बना हुआ है। तो मम्मा बना रही हैं खाना, मम्मा बना रही हैं कपोड़े। मुझे कहना नहीं आता फिर भी मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कपोड़े बोलना। वैसे मुझे आते नहीं है कपोड़े बोलने, मतलब कि सही नहीं बोलना आता मुझे, फिर भी मैं कोशिश सही करती हूँ कि मैं सही बोल पाऊँ। क्या बोलते हैं? पकोड़े। हाँ सही, अभी सही बोला ना मैंने, पकोड़े मम्मा बना रही हैं और मम्मा खिचड़ी बना रही हैं नीचे। तो मौसम बहुत, और हमारा तो कमरा पूरे का पूरा ही छत चौथा है। और ये देखो भाई हमारे घर का हाल, हमने सब कुछ उठा दिया, हमारा छत, हमारा सारा कमरा गीला हो गया। ये देखें सब कुछ, तो मम्मा ने काफ़ी कुछ समेट दिया तो फिर भी सारा, मतलब कि समेट छूट के रखा है और फिर भी कुछ कुछ जो सामान है वो गीला हो चुका है क्योंकि इतनी तेज़ बारिश पड़ी थी। मैं ऊपर हूँ, मम्मा नीचे हैं, मम्मा खाना बना रही हैं। तो मम्मा बोल रही आज मैं खाना बनाऊंगी, तुम वीडियो बनाओ। मैंने बोला सही है, तो मम्मा के पास चलते हैं तो मम्मा को दिखाते हैं आपको और बच्चों को भी दिखाते हैं। तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ तो मम्मा को मिलवाते हैं आपसे। लियो नहाइए बारिश में, लियो बारिश। तो आज हम लोग करने लगे हैं मौसम इंजॉय, तो बनाने लगे आलू के पकौड़े। देखो जरा मम्मा बनाने लगी है पकोड़े। आलू के पकोड़े। हाँ तो कुछ बोल दे मम्मा। कुछ नहीं, बस ऐसे मौसम एंजॉय करें, मीठे मीठे हलवे बनाए, कढ़ी बनाए, पकोड़े बनाए। हाँ पहली बारिश है, गर्मी होगी तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि हमारा पूरा कमरा लीक हो रहा है, पूरा सामान मेरा गीला हो रहा है। तो मैंने दिखाया तो आपको के पूरा सामान गीला, फिर भी मम्मा ने काफी कुछ समेट दिया था और मम्मा ये बना रही है, लेकिन वो फिर पूरी सेटिंग तो खराब हो जाती है, चीजें गीली भी हो जाती हैं, मुश्किल होती है बहुत। तो मम्मा खिचड़ी बना रही, मैं आपको दाल दिखाती हूँ, दाल बॉईल हो रही है। तो क्या खाना, रोटियां बनाते रहेंगे। तो खिचड़ी बना रही हूँ चने की दाल की और साथ में पकौड़े बनाएंगे चाय के साथ, फिर खाते हैं, फिर दिखाते हैं आप। और दाल बॉईल हो रही है, मम्मा सब मसाला वगैरह तैयार कर रही है। अभी देखो नहाए यशवंत, नहाए बारिश में कितना ज्यादा नहाए हो यशवा भाई, बहुत ज्यादा नहाया बारिश में। में नहाई हो, कैसे नहाई थी? बहुत ज्यादा ऊपर नहाई थी बारिश में है। तो कुछ बोलो, हाय व्यूअर्स बोलो, हाय गाइस। लिया बहुत अच्छा बोलती भाई, हाय गाइस। रिया के काम देखो, रिया क्या कर रही हो? कहती मैं छतरी लैन लगी हाँ, पंजाबी बोल रही जे जग। और किस किस ने बारिश में इंजॉय किया वो कमेंट्स में जरूर बताया ना भाई मम्मा। और हमारी तरफ से सबको हैप्पी रिमझिम, हैप्पी रिमझिम। हमने तो बहुत बारिश में नहाए, मम्मा नहीं नहाई, मैं तो बहुत नहाई और बच्चे भी बहुत ज्यादा नहाए क्योंकि मम्मा की तबीयत नहीं सही, मम्मा इसलिए नहाई नहीं है। हाँ पहले मेरे सर में दर्द हो रहा है, इतना सख्त है, बाद में फिर मेरी तबीयत और ज़्यादा। हाँ तो इसलिए मम्मा नहाए नहीं है, लिया नहाए, दिया नहाए, सब नहाए पर मम्मा और पापा नहीं नहाए ना। भाभी मैं आपको फोन कर रही हूँ, आप फोन नहीं उठा रहे हो, तो अभी आपकी तबीयत कैसी है मुझे फिर वीडियो में ही बता देना। हाँ कमेंट करके मामी बता देना, और मामी के लिए आपने सब लोगों ने दुआ करनी है कि मामी जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए। और मामा लोगों ने पता करने जाना था मामी का और नहीं जा पाए, मामी अमीना का पता मम्मा लोगों ने करने जाना था क्योंकि बारिश की वजह से इतनी ज़्यादा खराब है, तो इसलिए हम लोग गए, मम्मा लोग गए नहीं। तो मम्मा बना रही हैं तो जैसे जैसे बनता तो आपको दिखाते हैं। मैंने प्याज ब्राउन होने रख दी ऊपर, और ये रहा पकौड़ा का सामान, तो मम्मा बना रही हैं, मसाला भी तैयार करना है। हाँ तो मम्मा ने, तो आज मम्मा खुद बना रही हैं, आज मम्मा की तबीयत ठीक है, मतलब के काफ़ी ठीक है। हाँ पता नहीं क्यों मम्मा की तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है ना, तो इसकी वजह से, क्योंकि मम्मा के गुर्दे में पेन भी रहती है ना, तो इसलिए मम्मा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है गर्मी से।
मम्मा हल्दी डाल रही हैं। तो मम्मा हाथ से क्यों डाल रही हैं? वैसे अंदाजे से। अंदाजे से। और मम्मा भी जीरा डालने लगी हैं। और मम्मा ने जीरा भी डाल दिया। पुदीना और धनिया मुझे साफ कर। अभी मैं आपको मम्मा को पुदीना और धनिया साफ करके दूंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी। अभी प्याज भी रोना हो रहे हैं सर्दी के अंदर। हाँ तो अब हम लोग सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे और मम्मा भी मसाले ऐड करेंगी। और मम्मा ने सब मसाले ऐड कर दिए अंदर, ये देख सकते हैं आप। चनों की तरह लग रही है, चने की दाल। हाँ चनों की तरह लगती है, वाइट चने लग रहे हैं ना। वाइट चने लग रहे हैं। और व्यूअर्स हम लोग इसे जल्दी जल्दी बना रहे हैं, भूख भी लगी है, जल्दी से ये तैयार हो जाएगा, साथ में हमारे पकौड़े भी। तो मम्मा अभी बस बोल रहे होंगे तो अभी जो वीडियो डाल रहे हैं सब कुकिंग की डाल रहे हैं, मतलब के जो भी खाना बनाते हैं वो खाने की डाल रहे हैं। कोई बात नहीं, हम लोग डेली रूटीन की वीडियो डाल रहे हैं। हाँ तो अभी टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं। सुबह से बारिश की वजह से कुछ कर नहीं पाए थे, मैंने बोला चलो आज बारिश इंजॉय कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो भी बस के साथ शेयर कर लेते हैं। और सुमन आपको बहुत मिस कर रही हूँ मैं, आप आज घर पे नहीं हो। हाँ मैं अभी सुमन को बहुत मिस कर रही हूँ, सुमन आज घर पे नहीं है तो मुझे सुमन की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी जब मैं नहा रही थी, और पिछली बारिशों में सुमन साथ थी ना इसलिए। बस चावल तो मतलब कि खिचड़ी तो बन चुकी है, मम्मा ने दम पे रख दिया तो अभी मम्मा के पास चलते हैं। तो मम्मा क्या कर रही हैं अभी? मम्मा कर रही हैं पकौड़ों की तैयारी, तो देखते जाएंगे मम्मा कहाँ तक पहुँची हैं। मम्मा के पास चलते हैं। मम्मा कहाँ पहुँची हैं? खिचड़ी मैंने दम पे रख दी है, अभी मैं खिचड़ी दम पे रखती है, ये देखें खिचड़ी मम्मा ने दम पे रख दी है, और पकौड़ों की मतलब की सारी तैयारी हो चुकी है, सब गर्म मम्मा ने बना लिया है, और बस दम पे चावल रखते हैं, चावल हो जाएंगे तो मम्मा पकौड़े बनाएंगे दिखाते हैं। हाँ तो मम्मा पकौड़े बनाएंगी। यार मुझे कहना नहीं आता फिर भी मैं कह देती हूँ, मैं बोलती हूँ खैर कोई बात नहीं, फिर भी मैं बोल देती हूँ पकौड़े, फिर भी सही आ जाता है, फिर भी नहीं आता तो कोई बात नहीं। मम्मा सही बोलती हूँ कि नहीं बोलती बताएं? अब सही बोलती। हाँ अभी मैंने मम्मा बोली सही बोला पकौड़े, अब मैं अभी सीख जाऊँगी ना, जैसे जैसे मम्मा बनाया करेंगी ना फिर मैं सीख जाऊँगी पकौड़े कहना, पहले तो मैं पकौड़े कह अभी मैं सीख जाऊँगी पकौड़े कहना। तो मम्मा पकौड़े बनाती हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। हमारी खिचड़ी हो चुकी है तैयार, और ये देखें कितनी अच्छी लग रही है, और मम्मा ने बनाई है, ये देखें। तो अभी सब खाना खाने लगे हैं, तो खाना खा के फिर आपसे मिलते हैं। फाइनली मम्मा पकौड़े बना रहे हैं, ये देखें, और ये देखें, ये मम्मा कितनी देर लगेगी? लगेंगे, टाइम तो लगता है पकौड़े बनने पे, पकौड़ों पर अभी टाइम लगेगा। और ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं जी। मम्मा निकाल रही, मैं दिखा रही हूँ आपको, टेस्ट करवा रहे हैं मिशु के पापा को, मिशु के पापा को टेस्ट करवाएंगे। मम्मा निकाल रही हैं, ये देखें, और पापा टेस्ट करके बताएंगे कैसे बने हैं, है ना मम्मा जी? पहले ही दफ़ा इसीलिए टेस्ट करवा लेना चाहिए, अगर नमक मिर्च की कोई कमी है तो वो पूरी हो जाए। हाँ ये देखो, तो जैसे जैसे बनते हैं तो आपको दिखाते हैं। हाँ तो काफ़ी सारे ये देखें बन चुके हैं, और पापा ने टेस्ट किए थे और पापा बोल रहा था बिल्कुल सही है, नमक मिर्ची मसाला बिल्कुल सही है। तो ये काफ़ी बन चुके हैं, तो बस ये थोड़े से रह गए हैं, और ये मम्मा ने डाले हैं, ये देखें, और बहुत ही मज़ेदार थे, मैंने भी खा लिया। और हैरिसन, हैरिसन क्या हुआ? कुछ भी नहीं, तो ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? हाय बोल रहे, तो मुँह से हाय बोलना, ऐसे ऐसे कर रहे हो, गाइस बोल के हाथ से पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो बन जाते तो फिर आपको दिखाते हैं, ये पकोड़े बन जाएंगे तो फिर मिलेंगे आपसे शाम की चाय में। बैठिए, पापा भी बैठे हैं और चाय भी साथ एंजॉय कर रहे हैं। हाँ और बच्चे भी सब हैं। डीयू भी, दी हाय बोलो। हाय।
हाय हाय और दियो भी हाय बोल रही है और सब चाय पीने लगे हैं, पकौड़े खाने लगे हैं। हाय हाय गाइस, हाय गाइस, और कुछ बोल दे मम्मा। अच्छा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।